कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। तो जी, एक दफ़ा फिर आप सबके लिए सरप्राइज, मेरे लिए भी सरप्राइज। मैं किचन में नॉर्मली जैसे रोज़मर्रा के काम होते हैं वो काम कर रही थी, तो अचानक से एक्चुअली क्या है आज और क्यों आज फिर मुझे दिया सरप्राइज, चलिए देखते हैं। ये देखें फरा, हानिया, हुसैन, मारिया। आपका क्या नाम है? मोहम्मद। ये देखें जी, ये सारे आए हैं आज। घर वाले आ गए थे, चाय वगैरह तो हो गया था सब। अब मैंने बनाई है, एक चीज़ दिखाती हूँ आपको जी। मैंने बनाई है निहारी, जिसे सुखानी थी आज। मेरा पहले से ही प्लान था निहारी बनाने का, और ये मैंने चिकन की निहारी बनाई हुई है मैंने आज। तो अब घर वालों को सर्व करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। या एक मैं ये भी आपको बता दूँ, किचन में भी थोड़े बर्तन धो चुकी हूँ, थोड़े से अभी बाकी हैं। ये निहारी का मसाला काट के रखा है, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक और ये फ्राई प्याज है, ये मैं फ्राई करके रखती हूँ। पता नहीं वो लोग जो कहते हैं हमारी प्याज नरम पड़ जाती है, तो ये देखूँगी मेरी प्याज कभी भी नरम नहीं पड़ती। ज़्यादा तो नहीं, मैं निहारी पहले से ही बना रही थी, तो बस जो है वो सर्व कर रही हूँ मैं। ये देखें कि बच्चों को मनमोका चाहिए होता है, ये लगा के सारे कजन्स वन बाय वन। अब ये सब कुछ पता नहीं गेम है ये क्या है, ये खेल रहे थे सारे बच्चे से। सारे बच्चे मिल के इंजॉय कर रहे थे, थोड़ी देर यहाँ खेले और फिर बाद में ये लोग नीचे सहन में चले गए थे, वहाँ जा कर खेलते रहे। और आगे देखिए जी क्या सरप्राइज है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mom. Happy birthday to you. May you have many more. बाजी को कौन खिलाएगा? अच्छा है, कैसा है केक? बाजी केक खा लो, ये बाजी के लिए। कैसा है केक? अनाया कैसा है? खुशी दी आप लोगों ने, जजाकल्लाह पाक आप लोगों को बहुत सी खुशियां दी, और बाहर के भी थैंक यू सो मच। तो जी ये चल रहा है केक, आइसक्रीम केक है, सारा मेल्ट हो रहा है, गर्मी है, ऊपर का पोर्शन है थोड़ा, मौसम गर्म हुआ है। तो ये बच्चे ये देखें सारे केक एंजॉय कर रहे हैं, ये लोग आए और आज फिर इन्होंने मेरा दिन स्पेशल बनाया। मेरी बर्थडे थी और मैं मतलब राबेर मुझे सुबह से यही बोल रही थी, मामा आप काम किए जा रही हैं, आप तैयार नहीं हो रही हैं, आप ये नहीं। तो मैंने कहा बेटा मुझे बर्थडे मनाना अच्छा नहीं लगता। और शाम को जब मैं किचन में खाना बना रही थी तो एकदम से इन्होंने फिर आज मुझे सरप्राइज दिया। तो थैंक यू सो मच अगेन फरा, नोरिना जी, अम्मी, सारे बच्चे, सारों के नाम, हानिया, मरियम, अनाया, हुसैन, रेयान, हमदान, मोहम्मद, राबेर, हरीन, सब 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 बच्चों का थैंक यू सो मच। तुम लोगों को यार क्या हो गया? ये बच्चे को डरा रहे हैं कि भाई ये बच्चा नहीं जाएगा, और वो बच्चा भाग गया, उसके मामा ने उसे बचा लिया। अब जाने की तैयारियों में, घर जाने की तैयारी हो चुकी है इनकी, खड़े हैं अल्लाह हाफिज़ कहने के लिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे बाद में।
सारे चले गए कहाँ गए? अम्मी जी बैठी हुई है अभी, मोम और अम्मी जी बैठी हुई है। आधे लोग जा चुके, सारे घर वाले आए थे, सोनू नहीं आए थे और बस उनको कुछ काम था तो बोला कि भाई मैं, उसका फ़ोन आया था तो मैंने कहा कोई बात नहीं, उसकी सारी फैमिली आई, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और फिर अगेन वही बात आ जाती है कि अल्लाह पाक सबकी बेटियों के नेक नसीब करे। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, बस अल्लाह जी से हमेशा दुआ करें अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे। और अच्छे बुरे दिन का क्या है वो तो आके चले जाते हैं, लेकिन एक मेमोरी के तौर पे जैसे 14 साल में दुबई में रही, दुबई में मैं ऐसे ही रहती थी। मैंने बहुत से लोगों को कहते हैं ना भेस बदलते हुए देखा, लेकिन मैंने अपना भेस कभी नहीं बदला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 अच्छा टाइम हमने दुबई में गुजारा है। और 14 साल ज़िंदगी के मतलब आप कहें कि अल्लाह जी ने बहुत अच्छी मेरे मियाँ की जॉब लगाई हुई थी और बहुत अच्छा था सब कुछ। मेरे मियाँ सुपरवाइज़र थे और सडनली मतलब एकदम से इतना सब कुछ हो गया। और हम लोग यहाँ अम्मी जी के घर पे, मतलब मेरी सासू माँ का घर है ये, यहाँ पर आ गए और यहाँ पे आके हमने जो छोटा मोटा सेटअप बनाया है और ये हम कर रहे हैं। और मतलब बताने का मतलब ये है कि भाई ज़िंदगी में मतलब बहुत ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन आते रहे, मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। और मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ अल्लाह जी मुझे हिम्मत नहीं हारने देना। और घर वाले थोड़े होते हैं परेशान मुझे देखकर, तो घर वाले क्या कर सकते हैं, अल्लाह पाक सबकी बेटियों के नेक नसीब का करे। माँ बाप कुछ मांगते ना अल्लाह जी से तो अपनी बेटियों का नसीब मांगते हैं जो कि उनके बस में बिल्कुल नहीं है। अल्लाह पाक कुल जहान की बेटियों के नेक नसीब करे, अल्लाह पाक उसके सबके से मेरी बेटियों के भी नेक नसीब करे। कि आप सब भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा, जो मेरी ज़िंदगी में छोटी मोटी परेशानियाँ आती जाती रहती हैं अल्लाह पाक इनसे लड़ने की तौफीक अता फरमाए और मुझे हिम्मत और ताकत दें। आमीन सुम आमीन। और जहाँ तक रही मतलब सेलिब्रेट, हस्बैंड को पसंद नहीं है ज़्यादा ये बर्थडे या मतलब ये वैलेंटाइन और एनिवर्सरीज वगैरह उनको ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने ये सब चीज़ें छोड़ दी हैं। हालाँकि मेरे घर में मतलब आप कह लें ऐसा नहीं होता था कि कभी मेरी बर्थडे ना मनाई जाए, ऐसा कभी भी दिन नहीं आया, मतलब कोई साल ऐसा नहीं होता था। लेकिन कोई बात नहीं, शादी के बाद अब मेरा दिल करता मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ करूँ और अपने बच्चों के हर काम को करना अच्छा लगता है, उनके लिए बिज़ी रहती हूँ और अच्छा लगता है मुझे, मुझे अब अपने बच्चों के साथ रहना अच्छा लगता है, उनके काम करना अच्छा लगता है। और मैं इस दिन को भी हर आम दिन की तरह ही, बस कोई स्पेशल नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, बस एक आम दिन है। जो मेरे घर वालों ने सोचा 14 साल तो चलो दूर रही है, अब इस साल यहाँ पर है तो आके सरप्राइज़ दिया उन्होंने, थैंक यू सो मच। मतलब मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ, फराहम सब का बहुत ख्याल रखती है, हर एक बंदे की बर्थडे, घर में कुछ भी छोटी मोटी बात हो मतलब हर चीज़ को देखती है। बाजी ने भी बहुत हिम्मत की, बाजी भी इतनी दूर आ गई और मतलब बड़ी हिम्मत के भी ईद के सेकंड डे आए थे और आज आए, बहुत ज़्यादा हिम्मत की इन्होंने। बहुत दूर है मेरा घर, मेरा ससुराल मतलब मेरे मायके से, फिर भी जजाक अल्लाह, सारों का बहुत बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह। और मेरी कज़न की बर्थडे 18 मई मेरी है, 19 मई सनम की है, तो हैप्पी बर्थडे टू यू सनम, खुश रहे जहाँ पे भी रहे, अल्लाह पाक बहुत 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 खुशियाँ दे, आमीन सुम आमीन। मेरी चाची मतलब मैं सारों को बहुत मिस करती हूँ, चाची की फैमिली को, आंटी सायदा की फैमिली को, मेरी सारी फ्रेंड्स को, हमेशा हमेशा उनकी यादें मेरे साथ हैं, हमेशा वो सब मेरी सहेलियाँ, दोस्त है, बाप रिश्तेदार सब मेरे साथ हैं, जिनके साथ मैंने अपने 14 ईयर्स दुबई में काटे, तो सब अपनी जगह खुश रहें, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी मुश्किल ना आए। जी घर वाले आए और चले गए, हाँ एक दफ़ा फिर उन्होंने हमें दिया सरप्राइज़। सरप्राइज़ आपने देखा क्या था, मेरी बर्थडे थी, बर्थडे क्या सेलिब्रेट करना, अब तो मुझे लगता है एक और ज़िंदगी का दिन कम हो गया। और 14 ईयर्स में मैंने सिर्फ 2 टाइम्स सेलिब्रेशन मतलब बर्थडे सेलिब्रेट की होगी दुबई में। सनम याद है तेरी और मेरी बर्थडे, अगर देख रही तो तुझे याद होगा कि क्या कुछ हुआ था हमारे साथ गर्मी में, और हम लोगों ने बारबेक्यू का प्लान बनाया था और बहुत बुरा हुआ था हमारे साथ उस दिन भी, लेकिन हमने बारबेक्यू की थी
और सुबह 4 बजे हम थक हार के अपने घर को वापस आए थे। और कल सनम की बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे सनम। मुझे कॉल की, मुझे पता है मैं जहाँ पे भी रहूँ मेरे बहन भाई मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह पाक तुझे भी बहुत सारी खुशियाँ दे और हमेशा खुश रहे। आमीन सुमामी फहद फरा नौरिन बाजी सारे बच्चे अम्मी आप लोगों के लिए भी ढेर सारी दुआएं। अल्लाह पाक आप लोगों को भी बहुत सी खुशियाँ दे और अल्लाह पाक आपको भी आपके घरों में खुश और आबाद रखे और ज़िंदगी में कभी भी कोई मुसीबत कोई परेशानी आपके करीब ना आए। आमीन सुमामीन। और जो मेरे देखने वाले बहन भाई हैं उनके लिए भी जी क्या कहेंगे राबिल उनके लिए। थैंक यू सो मच, आप लोग देखते हैं कमेंट्स करते हैं और अपनी दुआओं में हमें याद रखते हैं। जो मेरे चैनल पर नए आने वाले हैं उनके लिए प्लीज़ आप लाइक करें सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को वॉच किया करें। प्लीज़ 3 मिनट्स तो वॉच कर ही लिया करें प्लीज़। हम लोग बहुत मेहनत, मैं तो बहुत मेहनत करती हूँ क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैंने मुझे पिक्चर्स बनवाने का भी बिल्कुल शौक़ नहीं था और मेरे पास बिल्कुल भी मतलब मेरे फ़ोन में मेरी आपको बहुत कम पिक मिलेंगी। हाँ जब से यूट्यूब स्टार्ट किया तब से अब मतलब ये वीडियो बनाने लगी हूँ मैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग फैमिली के साथ अगेन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ आपसे मुलाकात होगी। तो आप सबके लिए यही दुआ है, जितने बीमार अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जितने भी औलाद अल्लाह पाक उनको लाख की नेमत से नवाजे। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। तब तक राबेल फैमिली ब्लॉग्स को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।